नमस्कार दोस्तों, मैं मंतुष इस YouTube चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज मैं स्क्रीन प्रिंटिंग से जुड़े स्क्रीन पे कोटिंग कैसे किया जाता है, सोना कोट कैसे चढ़ाया जाता है इस बारे में, और सनसलाइजर कितना मिलाया जाता है इस बारे में मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन प्रिंट पे और देखते हैं कि कोटिंग कैसे किया जाता है। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे कि सोना कोट हम कैसे बनाते हैं, इस पे कोटिंग करने के लिए, इस पे जो है स्कैन करने के लिए, मेटर खोलने के लिए इस पे कोटिंग किया जाएगा। तो कोटिंग हम कैसे बनाते हैं आप लोग देखिए, ये है सोना कोट। इसमें से पहले थोड़ा इस ग्लास में हम डाल लेंगे, जैसा कि एक एक बोर्ड पे आ जाए। देखिए जैसा कि गिर रहा है यहाँ पे, अब बस इतना ही रहने दिया जाए। और ये है सेंटिलाइजर, सनसलाइजर इसमें घोल कर रखा गया है। वैसे ये पाउडर में आता है, मगर इसमें हम घोल कर रखे हुए हैं। और इसमें से थोड़ा सा इतना के मात्रा में इसमें हम डाल देंगे अपने अंदाज के हिसाब से, और फिर इसको हम मिलाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये एक बढ़िया सा घोल तैयार हो जाए। जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे उतनी अच्छी कोटिंग हमें होगी और बढ़िया उस पर मैटर खुल कर आएगा। नहीं तो उसमें अगर सही से नहीं मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये तैयार हो गया है, अब हम इसे स्क्रीन पर रख कर इसको देखिए हम कैसे कोटिंग करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि स्क्रीन है, अब इसको यहाँ पे हम साफ कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख दिए, अब इसको इस पे डालेंगे, इसको ऐसे इस पे डाल देंगे। और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो भी काम करना है कोटिंग का, इसको लाइट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइट होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये लाइट पे स्कैन होता है। अब इसको ये थोड़ा स्क्रीन फटा हुआ है, जहाँ पे स्क्रीन फट जाता है वहाँ पे टेप चढ़ा दिया जाता है, और बाकी का जो स्क्रीन है उसको काम में ला लिया जाता है। देखिए ये हो चुका है, अब इसके दूसरी तरफ से भी हम कुछ कोटिंग कर लेंगे इसको बढ़िया ढंग से मिला लेंगे। ये हो गया, अब इसको हम लोग अंधेरे में, धूप में नहीं, अंधेरे में सूखने के लिए रख देंगे। ये जून जुलाई या अप्रैल के महीने में बहुत जल्दी ही तैयार हो जाता है। अब इसको हम अंधेरे में इधर रख देंगे और ये कुछ देर के बाद तैयार।